कोटली के शहरियों, ये सरासर एक ड्रामा किया जा रहा है। अजान की टीम में अल्लाह का बड़ा फजल है, ये कश्मीर, ये बेदी, ये जन्नत है। जन्नत में कभी दोजख नहीं जा सकता। ये दोजख वाली बातें मत करो, ये औलिया की साथ जमीन है। इस औलिया की साथ जमीन में ऐसी बात नहीं है। हम कोटली लोग पूरब लोग हैं। अदालत कश्मीर बार में आज एक तलवार लटका दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक जंबस से अपने कलम से लोगों के गले काट दिए गए। हम सब लोग, मैं लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, जनाब डीसी साहब, मैं अब ताजियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस जुल्म के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। मैं मुनाफिक नहीं बन सकता। मैं मुसलमान हूँ, मैं कितने साल लोगों को लाली पाप दूंगा, मैं कितने साल लोगों को पुरमर रहने की ताकीद करूंगा। ये वफाक की और अकादात की भी नकबू गिर रही है। ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना की लड़ाई है। सिंध हुकूमत की और वफाक की लड़ाई है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। ये वफाक की और आजाद कश्मीर की भी लड़ाई है। खुदा के लिए इस लड़ाई में लोगों को न मारे। लड़ाई तुम्हारी अपनी है। आज वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। वहां पर ट्रांसपोर्ट चलनी शुरू हो गई, वहां पर कारोबार चलना शुरू हो गया, शॉपिंग मॉल चलने शुरू हो गए। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतबे करता हूँ कि हमें खुदा के लिए हमें जीने दे। हमारा जीने का हक न छीने, हमारा जीने का हक न छीने। हमें ऐसे रास्ते पर जाने की हमें तरकीब न दे। हमें पुरअमन रहने दे। हम सब पुरअमन शहरी हैं। आज़ाद कश्मीर में तामीर तरक्की ने ताजरों ने अपना किरदार अदा किया। ताजरों ने टैक्स पिए। आप ताजर किराया देने से भी मजबूर हैं। कोई किराया नहीं दे सकता, अफ्तारी के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ऊपर से आपने ये उन लोगों को कत्ल कर दिया है। आप कातल हैं, ताजरों के कातल हैं, जालिम हैं, जुल्म करते हैं। और 4 बजे हमने शेख चौक पे यहाँ बड़ा इंतजार करेंगे। इसलिए गिरफ्तार होना है वो कर ले। हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। गिरफ्तारियां दे देंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, कभी तो आगाज़े बाप होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों, जरा ऋतु के मिजाज को समझो। जो आज का मौसम सकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। मेरे अलियाने कोटली और कोटली के बाशऊर ताजरों, जिंदा जमीन लोगों, जो जिला कोटली और बिलखसूस पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो ताजरों के साथ इस हुकूमत ने नारवा सलूक इख्तियार कर रखा है, खुदारा हमें उस एहतजाज पे मत उकसाओ। हमें जेल बंद जाने से, जेल भरो तारीख से कोई गर्ज नहीं है। हम इससे भी नहीं डरते, लेकिन ताजरों का माशी इस्तेमाल बंद करो। आप लोगों ने ये ड्रामा लगा रखा है कि आपने 3 महीने पहले यहाँ पे लॉकडाउन लगाया, आपने कहा बिजली के बिल फ्री होंगे, कोई नहीं हुआ। यहाँ का जो किरायेदार तबका है वो शदीद मुतासर है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आजाद हुकूमत को, इंतजामिया के लोग जो एसी के अंदर बैठ कर यहाँ पे स्टेटस एंजॉय करते हैं, आप 3 दिन माँ की तनख्वाह कोरोना फंड में दो और लोगों में दो। आपने एडवांस ली है, आपको किसी के मिसाल का क्या पता कि ताजी किस तरह अपना गुजारा करता है। आज इस तरह पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, बीरपुर के अंदर, कोटली के अंदर, पूरे आजाद कश्मीर के अंदर तराजा इतजाज है। हमारा जो ये टोकन से स्टार्ट था, मतलब याकूब साहब आपने घबराना नहीं है। ताजर आपके पूरे कोटली का ताजर आपकी पुष्ट पर है। आपने जो 4 बजे का लयामत देना है, हम मन ऑन उस पर अमल करेंगे। इसी के साथ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम।
कोरोना वायरस का वजह से जो लॉकडाउन हुआ था आज से 3 महीना पहले, उन्होंने मिश्रा था कश्मीर के पर ताजुर ने उसका भरपूर साथ दिया है। ताजुर ने हर मरले में गोल्ड मेडल का साथ देते हुए अपना मासिक कदर करवाया है, अपने बच्चों का मासिक कदर करवाया। लेकिन गोल्ड मेडल को भी चाहिए, अपने प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, कोई शर्म का मुकाम है कि आज वापस सियासी मसला बना रहे हैं। इस कोरोना वायरस को आप सियासी बन गया। आज ये जंग जो है वो सिर्फ सिंध की और वफा की जंग है। ये जंग जो है वो वफा की आज कश्मीर की जंग बन गई है। एक पीठ एक हुकूमत है, दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों की हुकूमत है, वो आपस में जंग कर रहे हैं और लोगों का मासिक कत्ल कर रहे हैं। यार आप प्राइम मिनिस्टर, आपकी हम तारीफें करते करते थकते नहीं थे। आपने कश्मीर के मामले में बहुत अच्छी बातें की हैं, बाकी चीज़ें की हैं, लेकिन खतारा आज आपको क्या हो गया? आप अपने अपने पैरों पर अपने गाली कलाली क्यों मार रहे हो प्राइम मिनिस्टर? आपको होश के नाखून नहीं चाहिए? कम अज़ कम यार अपने माशी लोगों आप इस ताजु का कत्ल आम क्यों कर रहे हो? क्यों इन लोगों का कत्ल कर रहे हो आप इस तरीके? आपका अगर आपने इस अपनी रविश को बदला नहीं तो अगर आपने इस रविश को बदला नहीं तो हम कम अज़ कम इस रात को भरपूर देने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर, अगर आपने अपना ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया और इसको आपने ये जो लॉकडाउन आपने किया है दोबारा जो लॉकडाउन किया उसको खत्म नहीं किया तो ये जो ताजी सारा इस जा रहेंगे और हम दुकानें खोलेंगे। चार बजे भाई अब्दुल साहब ऐलान करेंगे, हम कल भी दुकानें खोलेंगे, हम मुंगल का भी दुकानें खोलेंगे। हम देख रहे हैं मैं कैसे मैं जमा गिरफ्तार कर दिया, गिरफ्तार कर दिया करने दे, लेकिन हम दुकानें नहीं बंद करेंगे, दुकानें खोलेंगे। 3 माह हो गए, हमारा मासिक कत्ल हो रहा है। कम अज कम किसी को यार, आप जो गवर्नमेंट लोग बैठे हैं आपको एहसास भी नहीं हो रहा है? आप अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी सियासत आ गई है। आज अगर पाकिस्तान पूरे में लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो आज कश्मीर में लॉकडाउन क्यों नहीं खत्म हो रहा है? आज कश्मीर में लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आपने 2 हफ्ते पहले लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया था, 3 हफ्ते पहले। आज आपको क्या रात को सांप सूंघ गया? इसके साथ ही आप प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ, आप फिर और आप लोकेशन वापस ले। अभी जो लेटेस्ट जो है ना, जो खबर पाकिस्तान के न्यूज चैनल में चल रही है वही चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को सख्ती से ऑर्डर किया है कि जो जो शापी माल आपने बंद किए हुए हैं उनको फौरी तौर पर खोला जाए। और इसके साथ अगर WHO की जो SOP है उसके तहत अगर मुजफ्फरबाद में मदीना मार्केट के अंदर कोई कोरोना वायरस की कोई मरीज आए हैं तो WHO की जो SOP है उस पर अमल दरामद किया जाए और मदीना मार्केट को सील किया जाए, ना कि आपने पूरे आजाद कश्मीर को सील करने का जो ऑर्डर किया इसका फौरी तौर पर मंसूख किया जाए। हम इसकी पुरजोर साथ में मजम्मत करते हैं और ये यकीन करते हैं कि वज़ीर आज़म इस एहतजाज का फौरी नोटिस लेंगे और इसको जो है ना ये जो नोटिफिकेशन को वापस लेंगे, वरना ये एहतजाज जारी रह गया और हम अपना आत्मी लाइम जो है ना वो 4 बजे के बाद देंगे। बस